हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी भाई बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कम से कम तीन या चार चीज़ें बताऊंगा जो कि सभी कुछ अच्छा ही है इस बार। तो मतलब आज की इस वीडियो में सभी कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, ना कोई बच्चा मरा ना कोई अंडा ख़राब हुआ, माशाल्लाह। आज की इस वीडियो में आपको सभी कुछ मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अपन को मुखी कबूतरी का मैंने एक पार खोला था, तो आज अपन उसका दूसरा पार भी खोल देंगे, और हुआ तो नर का भी एक पार भी खोल देंगे। और दोस्तों, और कुछ कबूतरों ने अंडे भी दे दिए हैं, वो भी आपको बताऊँगा, और किसी का बच्चा भी निकल गया है, वो भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना, आपको पता चल जाएगा कि भाई किसका अंडा हुआ है और किसका बच्चा हुआ है, और कुछ अंडे भी हटाना है तो आप, क्योंकि भाई किसके अंडे, तो वो भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और दोस्तों, कम से कम 8 या 10 कबूतर और लेके आऊँगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। आज तो आ नहीं पाए, नहीं तो आपको आज की ही वीडियो में बताता, लेकिन वो शायद कल या परसों आ जाएंगे, तो आपको वीडियो देखने को मिलेगा। 8 या 10 कबूतर मैंने मंगवाए हैं, तो वो आपको बताऊँगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, थोड़ी सी कबूतरबाजी करेंगे और आपको अपने लॉफ्ट के कुछ अपडेट दूंगा। तो जो भी भाई मेरे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन अपने कबूतरों को खोल लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बाहर आने के लिए बेताबी हैं। और जैसे ही मैं कबूतर खोलता हूँ, मुखी वापस पता नहीं क्यों चले जाते हैं। तो मुखी मादी पकड़ लेना, सबसे पहले तो अपन इसके पर खोल लेते हैं। आया, आओ 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 आओ, सबको निकालो, वो फिर आज भी नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, कोई भी कबूतर बाहर आने को तैयार नहीं है। और ये जो ब्लू बार मादा है दोस्तों, ये आ चुकी है वापस, जिसका मैंने आपको बताया था, जो कि मतलब परसों उड़ गई थी, दोपहर के टाइम 1 बजे उड़ गई थी, और कल ये दिन में खुद ही वापस आ गई। मतलब ये एक दिन पता नहीं कहाँ रही, ना मुझे कभी उड़ती दिखी, बस अपने लॉफ्ट में नहीं थी, और मैं भी कहीं बाहर चला गया था, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन अगले दिन ये खुद ही वापस आ गई। दोस्तों, ये और इसकी एक जो मादा है वो भी एक दिन बाद वापस आई थी। तो ये क्वालिटी अच्छी लगी दोस्तों शिराजी कबूतर में, कि भाई एक दिन उड़ते रहे और कहीं भी नहीं उतरे। बाकी सादे कबूतर उतर जाते हैं, और हाई फ्लायर भी, लेकिन ये शिराजी थे, वो बता रहे थे जो कबूतरबाज हैं हमारे आसपास, कि भाई वहाँ पे उतरी ही नहीं वो कहीं पे भी। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस साइड का पर तो खोल ही दिया था आप लोगों के ही सामने, तो इस साइड का पर और खोलना बाकी था। तो चलिए, मैं इस साइड का पर भी खोल देता हूँ। तो मैं इस साइड का पर भी खोल लेता हूँ। देखिए आप लोग, ये टेप से बंधा हुआ था, ये देखिए मैंने इसका ये टेप निकाल दिया है, और इस साइड का पर भी खोल दिया है। तो चलिए, अपन इसको छोड़ देते हैं और वही देखते हैं। ये देखो, ये गई मादा। नर का खोलें, नहीं खोलें, खोल लो एक साइड का, वो कहीं नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है नर भी अब लगभग हिल चुका है। नर भी लिया अपन, एक साइड को खोल देते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है इसको लाए हुए, लेकिन जिनकी जोड़ थी उन्होंने बोला था भाई के मादी के तो दोनों खोल लो, वो ज़्यादा उड़ी भी नहीं है, वो छत पर भी नहीं गई। नर का लेकिन बोला था थोड़ा ध्यान रखना, जल्दी से नल लिया। चलिए दोस्तों, अपन नर का भी पर खोल लेते हैं। ये तो रबर से बना था, जो कि हम लोगों ने नहीं बांधा था, क्योंकि दोस्तों इसने खुद ही से खोल लिया था। तो अब ये रबर वो निकाल दो, फिर एक साइड का ही खुला रखना फिर इसका। देखिए दोस्तों, अपन नर का एक साइड का पर भी खोल रहे हैं। और दूसरा पता नहीं, अब ये जब फिर से अंडे रखवा देगा दोस्तों, जब मैं इसका पर खोलूँगा दूसरे साइड का। तो चलो इसको छोड़ दो, बहुत है, इसका एक पर खुल गया, आप सही रहेगा। चलो पानी, दाना पानी भी कर दो दोस्तों। अब तक अपन दाना पानी भी कर देते हैं अब अपने कबूतरों को। और अभी आप देखेंगे कि भाई मेरे पास सिर्फ इतने से ही कबूतर हैं, और कुछ कबूतर अंडों पर हैं और कुछ बच्चों पर हैं। और दोस्तों, एक और बात आप लोगों को बतानी है, कि जो अपना आंगन है वो थोड़ा खाली खाली लग रहा है। अब जब मैं कल 8-10 कबूतर लाऊंगा, तो आप मतलब कल की वीडियो में देखना भाई कितना मज़ा आएगा, जब पूरा आंगन भर जाएगा। मतलब थोड़े से भी कबूतर आते हैं तो कुछ मतलब भरा हुआ सा लगता है अब, लेकिन आप लोग देखना भाई कितना भरा हुआ लगेगा। तो चलो, तुम कबूतरों को दाना पानी डाल दो, मैं जब तक लॉफ्ट में कुछ देख लेता हूँ, और वो बच्चे को भी निकाल लेते हैं अपन। तो गाइस, आप लोग देखिए, ये जो अपना फैंटेल का बच्चा था, ये निकला तो फैंटेल क्रॉस है ये फैंटेल का बच्चा, लेकिन निकला फैंटेल क्रॉस है। तो अब ये दाना भी सही से उठाने लगा है, तो अब इसको जाने देते हैं। और तुम दाना पानी कर दो, फिर मैं आपको दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा। और मार्कर भी ले आना, कुछ अंडे भी बदलना है और कुछ अंडे हटाना भी हैं, तो वो आपको अभी वीडियो में पता चल ही जाएगा। जब तक दाना डाल दो। और दोस्तों, ये आ चुका है अपना मार्कर, जिससे अपन
अपने मतलब कबूतरों के अंडों पे निशान लगाएंगे, और जिनके मतलब अंडे में चेंज करूंगा तो क्या है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई किसके अंडे किसके नीचे रखे थे, तो इससे थोड़ा मतलब अपन को याद रहेगा कि हाँ भाई इसके अंडे थे और अपन ने मार्क मतलब नंबर लिख दिए थे, और नाम वाम भी लिख देंगे, जैसे ललच का है तो एल और सेंटीनेट का है तो ऐसे ऐसा अपन बना देंगे। तो जब तक भाई दाना पानी दाना वो डाल दे, फिर अपन चलते हैं लॉफ्ट के अंदर, फिर लॉफ्ट के अंदर देखते हैं भाई कैसा क्या है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ लॉफ्ट के अंदर, और अभी आप देखिए ये जो मेरे ललचरे के हैं, मैंने इस पर अभी हल भाई से एल बनवाया। वो हुआ क्या दोस्तों, गलती से मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की थी और मैं बोले जा रहा था, तो मैंने मतलब इतना कुछ कर लिया। तो अभी मैंने क्या किया, मादा को बाहर कर दिया, और ये जो एल है आप लोग देख सकते हैं अभी बनाया है। तो भाई ये बताने को कि ये ललचरों के अंडे हैं, इस पर भी बना है, हाँ इस पर भी बना। तो आप लोग देखिए भाई ये ललचरों के अंडे हैं जो कि मैंने हटा दिए हैं, और मैं काफ़ी ब्रीड ले चुका था ललचरों की, मतलब एक बार में मैंने तीन बार की ब्रीड ली थी, मतलब इसीलिए मैंने सोचा भाई अब ललचरों से ब्रीड लेना ही नहीं है। तो अब अपन देखते हैं सेंटीनेट ने दूसरा अंडा दिया या नहीं दिया, क्योंकि इसने अभी जल्दी अंडे रख दिए हैं। तो भाई देखते हैं इसने दो अंडे दिए नहीं दिए, एक अंडा तो मुझे दिख रहा है, चलिए इसको उठाते हैं, वो पीछे रखा है माशाल्लाह दोस्तों। इसको भी मैं कर देता हूँ अभी बाहर, ये गई बाहर, तो इसने भी दोनों अंडे दे दिए हैं। तो भाई ये तो एक छोटा है और एक बड़ा है, इस पर तो मैं एस बना दो। तो देखिए दोस्तों इस पर अपन ने बना दिया है एस, और ये रख दिया अपन ने ललचरों के नीचे, और दूसरे अंडे का भी अब मैं यही करूँगा। ये देखिए इसको मैंने उठाया, इस पर भी बना दो एस। एक मिनट, तारीख भी लिख दे। आज कितनी है, 7 तारीख, दूसरा महीना, तीसरा, बस देखिए दोस्तों इस पर डेट भी लिख दी, और इसको भी रख दिया अपन ने ललचरों के नीचे। अब ललचरी मादा को भेज दो। तो दोस्तों अब क्या होगा, ललचरी मादा इस पर बैठेगी और अच्छे से सेकेगी, यही मैं चाह रहा था। और इन अंडों को किन से, इन अंडों को अभी रखो, हो सकता है मैं भाई पलवाऊँ, अभी क्या है दोस्तों मेरा मूड कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं किसी से भी पलवा सकता हूँ ललचरों के अंडे। तो मैं कह रहा हूँ भाई से अभी हटाना मत। ये देखिए दोस्तों ये नर मादा बेचारे आ रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कि भाई इनके अंडे हटा दिए हैं मैंने। तो एक दो दिन ये मतलब बैठेंगे, फिर जब इनको समझ आ जाएगी कि भाई इनके अंडे हट गए तो फिर नहीं बैठेंगे। तो मुझे तो क्या है सेंटीनेट से दोस्तों एक साथ दो बार ब्रीड लेना है, मतलब एक बार ये देखिए मैंने अंडे रख दिए, और अब 7-8 दिन बाद क्या होगा, मादी फिर से अंडे दे देगी, तो वो मैं इन्हें खुद पालने दूंगा। तो क्या होगा, सेंटीनेट के बच्चे उधर भी निकलेंगे और इधर भी निकलेंगे, तो इससे दोस्तों काफ़ी सही रहता है। और आपको बता ही दिया भाई लाल वालों के मतलब बच्चे तो मरी गए थे, मतलब अंडे में से बच्चे ही नहीं निकल पाया था। और ये भी अभी सही एक मुखी के अंडे पे बैठा हुआ है, और एक इसके खुद के अंडे पे बैठा हुआ है। देखें इसने दोनों अंडे, तीन तो नहीं होगा, हाँ दोस्तों ये दोनों अंडों पे बैठा हुआ है, बैठा रहे भाई। और अभी मुखी ने भी दोस्तों अंडे नहीं दिए हैं। वो चलिए अपन अपने लाहौरियों को देखते हैं। तो एक ब्लू बार बच्चा बैठा हुआ है, इसको भी बैठा रहने देते हैं अपन, इसकी भी छेड़ नहीं करते। और ये रही मादी, तो देखते हैं भाई इसने अंडे दिए, मतलब इसके अंडे अभी तक हैच हुए या नहीं हुए। तो मुझे तो लग रहा है शायद होगा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप शायद देख पा रहे होंगे हल्का सा मुझे बच्चा दिख रहा है, तो मैं इसकी अभी ज़्यादा छेड़े नहीं करना चाह रहा। देखिए माशाल्लाह इसका भी बच्चा निकल चुका है एक, और मतलब इसका खुद का नहीं है, आपको पता ही होगा यहाँ जो मैं एक फैंसी जोड़ लाया था, मतलब उसने अंडा दिया था और मैंने क्या किया था, उसका अंडा इनके नीचे रख दिया था कि भाई एक बार ये अच्छे से सीख जाए कि अंडे बच्चे कैसे करना है, तो इसीलिए मैंने इनको सादे के नीचे रख दिया था। तो अब जो बच्चे निकलेंगे वो बड़े होके वो सादों के ही बनेंगे, मतलब सादे फैंसी, और अगली बार जब ब्रीड करेंगे तो ये इनके खुद के बच्चे निकालेंगे। तो दोस्तों ऐसा करना भी ज़रूरी है कि भाई एक बार ये सीख तो जाए कि बच्चों को पालना कैसे, इसीलिए मैंने भाई सादे रख दिए थे और बच्चे भी निकल गए माशाल्लाह। तो भाई अच्छा है कम से कम बच्चे तो निकले इनके नीचे पहली बार, और ये माशाल्लाह ब्लू बार बच्चा है वो भी सही है। तो अपन इसको फिर से कर देते हैं बंद, ये देखिए ये कर दिया मैंने बंद, और ये आ चुकी है अम्बल श्री मादा वापस, और बैठ चुकी है सेंटीनेट के अंडों पर। और ये रहे सेंटीनेट, जिन्हें पता ही नहीं है कि भाई इनके अंडे हटा दिए हैं, बाहर जाओ तुम, तो तुम भी बाहर जाओ। ये देखिए दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया भाई अपन ने मुखी के पर भी खोल दिए और इनका अंडा भी हटा दिया, और इनके अंडे दोस्तों हो सकता है मैं लक्का मुट्टो से भी पलवाऊं, क्योंकि अभी तो वो लोग अंडे दे नहीं पा रहे हैं, मैं रख के देखूंगा, अगर वो उसके ऊपर बैठ गए तो भाई पक्का उन्हीं को पालने देंगे अपन, मतलब उनकी छेड़े नहीं करेंगे। हो सकता है शायद बैठ जाएँ, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अंडे देने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है भाई वो दूसरे के अंडे पर बैठ जाएँ, तो अपन रख के देखेंगे, अगर बैठ गए तो ठीक, नहीं तो वो अंडों को हटा ही देंगे। बाकी आपने देख ही लिया कि इसका एक अंडे में से बच्चा निकल चुका है, दूसरा भी नहीं निकला दोस्तों, मैंने सुबह भी देखा था एक ही बच्चा निकला है। तो इसको भी बैठा रहने देते हैं, ये जब तक पालना भी सीख जाएगी, और नेक्स्ट टाइम अपन इसकी खुद की ब्रीड लेंगे। बाकी भाई ने अभी तक दाना पानी कर ही दिया होगा, ये देखिए दोस्तों
भाई ने सभी कबूतरों को दाना पानी भी कर ही दिया है, और बाकी मैंने इसका भी एक पर खोल दिया और वो उसका भी एक पर खोल दिया और इसके भी दोनों पर खोल दिए। तो बाकी सब दोस्तों बढ़िया है, बाकी मैं और कबूतर लाऊंगा तो वो अगली वीडियो में आपको बता ही दूंगा। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देख ली और मैंने आपको सभी कुछ बता दिया लॉफ्ट का, जिसके भी अंडे हटाए और जिसके भी अंडे दूसरों के नीचे रखे। बाकी कुछ मैं और कबूतर लाऊंगा तो वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। या आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।